श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार। दर्शकों, 3 अगस्त दिन बुधवार को श्रावण माह का बड़ा बुधवार है। इस बुधवार में हम जो भी मनोकामना करते हैं वह पूरा होते हैं। जी हाँ दर्शकों, अभी श्रावण के महीने चल रहे हैं और श्रावण के महीने में भगवान शंकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है और अपने भक्तों के मनोकामना को पूरा करता है। बुधवार के दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की पूजा करते हैं तो भगवान गणेश उनके हर प्रकार के मनोकामना को पूरा करते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के उसके मनोकामना हो। दर्शकों, अगर आप भी भगवान शंकर भगवान गणेश की कृपा पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा उपाय बुधवार के दिन अवश्य करें, आपके हर इच्छा पूरा होंगे। आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि यदि बुधवार के दिन आप यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके हर प्रकार के मनोकामना पूरा होते हैं। आपके गरीबी, आपकी निर्धनता हमेशा के लिए समाप्त होना है। 5 जगह में बनाना है। आप सिंदूर से बना सकते हैं या कुमकुम से बना सकते हैं। कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। पहला स्वास्तिक आपको अपने मंदिर घर में बनाना है। आप मंदिर के ऊपर में बना सकते हैं या थाली में बना सकते हैं। दूसरा स्वास्तिक आपको अपने रसोई घर में बनाना है। 3 दिशा में बना सकते हैं, सिर पर दक्षिण दिशा को छोड़ करके। तीसरा स्वास्तिक आपको अपने घर के बीचों बीच में बनाना है। चौथा स्वास्तिक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाना है। ये स्वास्तिक 2 होंगे लेकिन एक ही कहलाएंगे। पांचवा और अंतिम स्वास्तिक आपको भगवान गणेश के मंदिर में जा करके बनाना है। उसके बाद ओम गणेशाय नमः मंत्र का स्मरण करना है और आपको एक घी का दीपक जलाना है और अपने मनोकामना को भगवान गणेश के सामने में बोलना है कि हे भगवान, आप हमारे गरीबी को दूर करें, आप हमारे निर्धनता को दूर करें। मैं अपने इस मनोकामना के लिए आपके यह उपाय किया हूँ, आप मेरे इस मनोकामना को अवश्य पूरा करें। देखना दर्शकों, बुधवार के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो भगवान गणेश आपके हर प्रकार के मनोकामना को पूरा करते हैं। आपके गरीबी, आपकी निर्धनता को दूर करते हैं। आपके किसी भी प्रकार के कष्ट है, किसी भी प्रकार के संकट है, उसे भगवान गणेश दूर करते हैं, उसे समाप्त करते हैं। तो दर्शकों, आचार्य पंडित प्रदीप मिश्रा के अनुसार बताए गए जानकारी आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।